सत्या मैं नविता लैके हाजर हाँ। देश दुनिया दिया कुछ अहम से वड्डिया खबर इस खबर के प्रोग्राम जिसका नाम है फटाफट शुरुआत करते हैं। पहली तो वड्डी खबर के कैनेडा तो एक दुखदायक खबर आई है। कैनेडा के शहर ब्रैम्पटन के पूर्वी इलाके के वार्ड 8 के एक बुजुर्ग बीबी पाशो बासी जो कि 81 साल की दसी जा रही है दी लाश जो है वो बीते दिन छप्पड़ के कोल जो है वो मिली है। पील रीजनल पुलिस ने यह जानकारी दी है। बीबी पाशो बासी 26 जून तो लापता से जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी पर कुछ घंटिया बाद उसके मृतक पाए जाने बारे पता लगे। पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान कबायली जिले के मंगलवार को अणपछाते हमलावर ने पोलियो रोको टीकाकरण करने लई टीम से हमला कर दिता जिस दे विच दो पुलिस कर्मचारियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। अफगानिस्तान नाल लगते इस जिले के इस साल पोलियो के 9 मामले सामने आ चुके हैं जिसके खिलाफ टीकाकरण मुहिम के सिलसिले के एक टीम घर घर जा रही थी उस समय बंदूकधारियों ने टीम से हमला कर दिता जिस नाल टीम के एक मैंबर से उन्होंने सुरक्षा मुहैया करा रहे पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच जो है शुरू कर दी है। कैनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने सोमवार को पुष्टि की है कि देश के हुण तक मॉकीपोक्स के कुल 235 केस दर्ज किए गए हैं। समाचार एजेंसी शिनहुआ की रिपोर्ट मुताबिक सेहत एजेंसी ने एक बयान पुष्टि किए केसों बारे एक अपडेट प्रदान करते हुए कहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया तो 2 अल्बर्टा तो 4 ओंटारियो तो 45 क्यूबेक तो 184 मामले सामने आए हैं। बयान के अनुसार राष्ट्रीय माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी शक्की मामलों लई मॉकीपोक्स के निदान की पुष्टि करने लई टेस्ट करवाना जारी रखती है जदों की सूबाई खेतरी जनतक सेहत और सेहत संभाल प्रणालियां केसा की जांच और प्रकोप प्रबंधन कर रही ने। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस महामारी का कहर जो है वो जारी है। इतने मंगलवार को कोविड-19 के 8028 कम्यूनिटी केस दर्ज होए और 16 होर मौत हुई। सेहत मंत्रालय ने एक बयान यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि नवे कम्यूनिटी इन्फेक्शन सब तो बड़े शहर ऑकलैंड 2584 मामले सामने आए हैं। इस तो इलावा न्यूजीलैंड की सरहद से कोविड-19 के 94 नवे मामले जो है सामने आए हैं। वर्तमान कोविड-19 कारण हस्पतालों 383 मरीजों का इलाज किया जा रहा है जिस दे 7 इंटेंसिव केयर यूनिटा जा उच्च निर्भरता यूनिटा दे विच शामिल किए गए। संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा है कि सीरिया दे विच 2011 दे विच शुरू हुए गृह युद्ध के शुरुआती 10 सालों दे विच 3 लाख तो ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। यह देश दे विच जारी गृह युद्ध दे विच होया नागरिकों की मौत को लेकर हुण तक का सब तो वड्डा अधिकारित मुलांकण है। सीरिया दे विच संघर्ष देश के वख-वख हिस्सों दे विच साल 2011 दे विच लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर भड़के सरकार विरोधी प्रदर्शनों के नाल शुरू जो है होया सी। इस तो पहला मिसर ट्यूनीसिया यमन लीबिया ते बहरीन देश भी अजिहे प्रदर्शनों के गवाह बने सन जिन्हों अरब क्रांति कहा जाता है। इन्हों प्रदर्शनों के चलते दहाकों तो हुकूमत कर रहे कुछ अरब नेतावान सत्ता भी गुवानी पई सी। हालांकि सीरिया के संघर्ष जल्द ही एक संपूर्ण गृह युद्ध के तब्दील हो गया जिसने लखां लोगों की जान ले ली और देश के एक वड्डे हिस्से को तबाह कर दिता। कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हाँ। आगरा के रामबाग के रहन वाली औरत ने एक समय के 4 बच्चों जन्म दिता है। खास गल यह है कि जच्चा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। औरत ने 3 लड़कियां ते 1 लड़की को जन्म दिता है। इतने प्रकाश नगर निवासी खुशबू पत्नी मनोज कुमार ने कुछ दिन पहला आगरा ट्रांस यमुना कलोनी रामबाग के एक निजी हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सी जिथे औरत ने एको समय दे विच 4 बच्चों जन्म दिता है। हालांकि यह डिलीवरी आसान नहीं सी पर डॉक्टरों की सख्त मेहनत कारण जच्चा बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। खुशबू और मनोज दियां पहला ही 3 लड़कियां हैं। उन्होंने बेटे की आस सी जिस तों बाद हुण 3 लड़कियां दे नाल एक बेटे का जन्म उन्होंने घर दे विच होया है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो इनफोकॉम के डायरैक्टर के अहुदे तो इस्तीफा दे दिता है। जी हाँ, जियो इनफोकॉम मुख कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स की सहायक कंपनी है। उन्होंने बेटे आकाश अंबानी को जियो इनफोकॉम का नवा चेयरमैन बनाया गया है। कंपनी के बोर्ड ने आकाश की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की 27 जून में हुई मीटिंग उन्होंने नाँ पर मोहर लगी है। इस तो पहला आकाश अंबानी बोर्ड के गैर कार्यकारी निर्देशक के तौर पर काम जो है कर रहे सन। कंपनी के वालों मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज के की गई फाइलिंग गल जो है सामने आई है।
राष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने अहुदे तो अस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैनूं उत्थे जाण दी लोड़ नहीं सी, इसलिए मैं विधान परिषद की मैंबरशिप तो भी अस्तीफा दे रहा हाँ। उन्होंने कहा है कि मैनूं इस गल का कोई अफसोस नहीं है कि मैं अस्तीफा दे रहा हाँ। उद्धव ने कहा है कि इस सब दे विच मेरा आना नहीं सी, इसलिए मैं पहला ही मुख्यमंत्री निवास छड़ दिता है। उन्होंने कहा है कि कल तो मैं शिवसेना दफ्तर जो है वह जावगा। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का 14 दिन का रिमांड पूरा होने से बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के पेश किया। इस दौरान भगवानपुरिया के वकील ने पंजाब पुलिस के ट्रांजिट रिमांड का विरोध किया। इस ही पंजाब पुलिस के वकील ने दसिया है कि चार कथित शूटर के दो जगदीप भगवानपुरिया के संबंधित हैं। पंजाब पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट तो गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल केस के जगदीप भगवानपुरिया गिरफ्तार करके ट्रांसिट रिमांड से लैन की मांग जो है की है। पंजाब पुलिस ने अदालत की इजाजत तो बाद जगदीप भगवानपुरिया अपनी हिरासत के लै लिया। इस दाल ही सुनवाई तो बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मूसेवाला कतल केस के पंजाब पुलिस को जगदीप भगवानपुरिया का एक दिन का ट्रांसिट रिमांड जो है वह दे दिता है। पंजाब पुलिस उसको उत्थे की स्थानक अदालत के पेश भी करेगी। फिलहाल के लिए इन्ना ही, हुण मैनूं दिओ इजाजत।